सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को इस तरह का फॉर्डिंग सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके में, वो भी स्नैपसीड ऐप को यूज करके। तो मैं 110% गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करोगे तो आप भी कुछ इस तरह का फॉर्डिंग कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके में। अगर आपको भी करना है कुछ इस तरह का फॉर्डिंग तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना, और आप मेरे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए ज़्यादा बात के बिना वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो नॉर्मल सा फोटो है इसे आपको ऐड करना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। देन गाइस, साइड में आपको पेंसिल वाला ऑप्शन होगा, तो आप किस पेंसिल वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टोन इमेज करके एक टूल्स रहेगा, तो इस टूल्स में आपको क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों स्किन को थोड़ा गोरा करेंगे, उसके लिए आपको ब्राइटनेस को आपको इंक्रीज करके आपको 30 के आसपास रख देना है, और सैचुरेशन को आपको माइनस कर देना है, तो माइनस करके 25 के आसपास रख देना है। एम्बियंस को प्लस कर देना है 24 के आसपास, हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है 20 के आसपास, और शेडो को थोड़ा माइनस कर देना है, तो माइनस करके मैं इधर 15 के आसपास रख देता हूं। अब दोस्तों नीचे राइट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, ऊपर आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, व्यू एडिट में आपको चला जाना है, टोन इमेज इसमें क्लिक करना है, ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों फोटो को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, और आपको स्किन के ऊपर कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो स्किन थोड़ा गोरा हो गया, तो कुछ इस तरह से आपको स्किन को गोरा कर लेना है। तो मैं जल्दी गोरा कर लेता हूं, देन दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। सो गाइस, मैं स्किन को गोरा कर लिया। अब दोस्तों नीचे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको इस एरो में क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों फिर से पेंसिल वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फोटो में थोड़ा डिटेल्स ऐड करना है, तो उसके लिए आपको डिटेल्स वाला ऑप्शन में चला जाना है, और आपको स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर देना है 20 के आसपास रख देना है, और आपको शार्पनिंग को हल्का सा इंक्रीज कर देना है 10 के आसपास। अब दोस्तों नीचे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, फिर से आपको पेंसिल वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ब्रश वाले टूल्स रहेगा, तो आपको इस ब्रश वाला टूल्स को सिलेक्ट करना है, और आपको इस लास्ट में सैचुरेशन वाले एक रहेगा इसको सिलेक्ट करके इसे रखना है 10। अब दोस्तों फोटो को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, और आपको लिप के ऊपर कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो लिप थोड़ा रेड हो गया, तो कुछ इस तरह से आपको लिप को रेड कर लेना है। अब दोस्तों नीचे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से पेंसिल वाला ऑप्शन में चला जाना है, और आपको कुछ इस तरह से नीचे आ जाना है, और आपको टोनल कंट्रास्ट इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, और इसका जो हाई टोन है इसे आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस करके 40 के करीब रखना है, और इसका जो लो टोन है इसे आपको माइनस कर देना है, तो माइनस करके 20 के करीब रख देना है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे राइट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, फिर से पेंसिल वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, और आपको जाना है पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन में, एरा पोर्ट्रेट ऑप्शन, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों स्मूथ टू इस फिल्टर को ले लेना है, और आपको इस टाइप से इंक्रीज कर देना है फेस को 30 के करीब रख देना है। अब दोस्तों नीचे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक ही क्लिक में आपको जो बैकग्राउंड है फुल चेंज हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना। अब दोस्तों क्या करना, नीचे डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, और आपको इस शेयर वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, और फोटो को आपको क्या करना है, लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो ये रहा लाइटरूम ऐप, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है, जो फोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या करना है, लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। सो गाइस, ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो सबसे पहले ऑल फोटो करके एक ऑप्शन आएगा, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो आपने जो फोटो इनपुट किया लाइटरूम ऐप के अंदर, ये रहा वो वाला फोटो, तो आप क्या करना है, एक प्रीसेट को इनपुट कर लेना है। तो इस प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट वाला ऑप्शन रहेगा ऊपर, तो आपको इस थ्री डॉट में आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नीचे आ जाना है इस तरह से, और आपको कॉपी सेटिंग करके एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है, और आपको ये वाला चीज़ आपको ध्यान से देखना है, आपको इधर राइट में क्लिक नहीं करना है। तो मास्किंग वाला एक ऑप्शन रहेगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है पहले, उसके बाद आपको राइट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। आप दोस्तों चला जाना है आपका जो फोटो है उस फोटो में, और आपको इस थ्री डॉट में क्लिक कर देना है, और आपके इधर पेस्ट सेटिंग, आपके इस पेस्ट सेटिंग में आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख ही सकते हो एक ही क्लिक में आपका फोटो एडिट हो गया, एरा बिफोर एंड आफ्टर, कितना ऑसम लग रहा है। दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे सेव करना है, तो उसके लिए आपको ऊपर शेयर वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस इसमें आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।